हेलो एवरीवन, तो आप सभी का हमारे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारे पास से बहुत सारे स्ट्रॉबेरी के पौधे हैं और ये भी देखिए कि इसमें बहुत सारे भर भर के फल आ रहे हैं और कितने हेल्दी फल हैं। और ये भी मैं बता दूँ कि पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। और एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि ये मेरा इस साल का वीडियो नहीं है, ये मेरे पिछले साल का वीडियो है और ये आप लोग देख कर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें किस तरह से फल आते हैं। और अभी मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपने अपने गार्डन में जल्दी से नर्सरी जाइए और एक स्ट्रॉबेरी का पौधा ज़रूर लेकर आइए। और एक नहीं, एक बार में दो पौधे ज़रूर लाइए, क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभी हम लोग को पूरी जानकारी नहीं होती है, पहली बार पौधे लगाते हैं तो कुछ पौधे मर जाते हैं। तो आप लोग दो पौधे ज़रूर लगाइए और देखिए मेरे कितने अच्छे भर भर के फल आते हैं। और ये भी बताऊं कि पूरे 6 महीना आपके गार्डन में फल इसी तरह से देते रहेंगे। और ये मेरा पिछला साल का वीडियो था, तो अभी देखिए वही पौधा मेरा कुछ इस तरह से हो रहा है, क्योंकि मैं अभी 1 महीना से इसकी कोई केयर नहीं कर पाई हूँ। और ये डोरमेंसी में भी थे, लेकिन डोरमेंसी में रहते हुए भी ये क्या करते हैं कि ये अपना पौधा बढ़ाते रहते हैं। तो जैसे आप दो पौधा ले आते हैं तो उसी पौधे से कम आप 50 पौधा तो ज़रूरी बना लेंगे, उससे भी ज़्यादा बना लेंगे। क्योंकि मेरे पास पिछले साल सिर्फ एक पौधा था और उसी एक पौधे से मैं करीब करीब 20-25 पौधे बनाई थी और जिसमें से मैं 10 पौधे बांटी भी हूँ। और अभी तक मेरे इस समय तक मेरे पास बहुत सारे स्ट्रॉबेरी के पौधे बन गए थे, लेकिन इस बार क्या हुआ कि मैं थोड़ा सा खाद वगैरह नहीं डाली हूँ और केयर नहीं की हूँ, इसलिए अभी मेरे पौधे पे रनर नहीं आते हैं। तो इसमें 3 तरीके से पौधे बनाए जाते हैं। एक तो इस पे रनर आते हैं, एक आप बीज से भी उगा सकते हैं और ये पौधों से भी डिवाइड होते हैं, तो इस तरह से बनते रहते हैं पौधे। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये पौधे बनाने का तरीका ज़रूर बताऊँगी। तो अभी मैं सिर्फ ये दिखा रही हूँ कि अभी हमें क्या क्या केयर करना चाहिए इन पौधों का। तो यहाँ पर देखिए एक पौधा था स्ट्रॉबेरी का, तो वो मैं निकाल दी हूँ और देखिए उसी में एक मैक्सिकन पिटूनिया है शायद, वो निकल गया था। तो इसलिए एक पौधे पे कोई दूसरा पौधा निकल जाए तो कोई एक पौधे को हटा देना चाहिए, क्योंकि एक पौधे का ग्रोथ रुक जाता है। तो मैं वहाँ से स्ट्रॉबेरी का पौधा निकाल दी। और ये वाला देखिए मेरा मदर प्लांट था और इसको भी देखिए किस कदर ख़राब हो रहे हैं। तो इसके जो भी ख़राब पत्ते हैं तो उसे मैं सारा निकाल दूँगी। और यहाँ पर देखिए एक फूल भी मतलब बन रहे हैं, बड्स बन रहे हैं, तो अब वो फल बनेंगे, लेकिन इस समय मैं फल इसमें से नहीं लूँगी। तो देखिए मैं इसके सारे पत्ते हटा दूँगी जो भी नीचे ख़राब हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए इतने सारे पत्ते मैं सभी पौधों से निकालूँ, क्योंकि सभी पौधे मेरे ख़राब हो रहे थे। और इन पत्तों को मैं फेंकती नहीं हूँ, इसे क्या करती हूँ सुखा के मैं अपने गार्डन में ही गमले भरने का काम कर लेती हूँ या खाद वगैरह बना लेती हूँ। तो देखिए मैंने सारे को साफ़ कर दिया है, तो कुछ इस तरह से मेरे पौधे बन गए। और देखिए इसमें भी पौधा था मेरा। और ये भी मैं बता दूं कि मेरे कुछ पौधे मर भी गए और मैं कुछ पौधों पे एक्सपेरिमेंट भी की थी, उसके वजह से भी मेरे कुछ पौधे मरे हैं और थोड़ा सा मैं केयर भी नहीं की हूँ तो भी मेरे पौधे मर गए हैं। तो अभी कोई बात नहीं है, इतने से पौधे से ही मैं बहुत सारा पौधा बना लूँगी। तो यहाँ पर देखिए ये वाला पौधा इस तरह से हो रहा है और इसमें भी देखिए अब देखिए फूल बनने लग रहे हैं। और इसके बारे में मैं एक बार और बताऊं कि स्ट्रॉबेरी का पौधा जब भी लाएं तो आप मिट्टी के गमलों में ही लगाएं, तभी ये बहुत अच्छा सर्वाइव करते हैं। ऐसे मैं तो देखती बहुत के प्लास्टिक गमले में भी लगाते हैं, लेकिन मेरे पास मैं जब भी लगाई हूँ तो मेरा प्लास्टिक के गमलों के साथ स्ट्रॉबेरी का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है। और ये देश के हर कोने में अब लगता है उगाया जा रहा है। और इसके लिए टेम्परेचर मैं कहूँ तो ये मतलब कम टेम्परेचर चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्मी में ये नहीं फलते हैं, एक दो फल तो फल जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा फल अगर इसमें आते हैं तो अक्टूबर से मार्च तक इसमें भर भर के फल आते हैं और अप्रैल में भी ये कुछ कुछ फल आते रहते हैं, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं। और जब इसमें फल आना बंद होते हैं तो देखिए इसमें रनर आते हैं इस तरह से, तो आप रनर से फिर पौधे बना सकते हैं। ये मतलब
ये पौधा हमें पूरा साल कुछ ना कुछ देते रहता है, या तो फल देता है और नहीं तो ये अपने रनर निकालते रहते हैं, इससे हम लोग नए पौधे बना सकते हैं। तो आप अगर दो पौधा भी लाएंगे तो आपके गार्डन में दूसरे साल कम से कम 50 पौधा तो ज़रूर ही बन जाएगा। और मैं भी जब लाई थी तो दो पौधा लाई थी, तो मेरे पास एक पौधा तो मर गया और एक पौधे से ही मैं इतना सारा पौधा बनाई हूँ, और पिछले साल मैं कम से कम 10 पौधे बांटी भी हूँ। और इस बार भी मैं बोली हूँ बहुतों की कि पौधा दूँगी, लेकिन देखिए मैं कैसे दूँ क्योंकि मेरे तो रनर ही नहीं आ रहे हैं। तो अब मैं चाह रही हूँ कि जल्दी से इसमें खाद वगैरह डाल दूँ, तो देखिए इस तरह से मेरे रनर आने लगेंगे, तो मैं जिन्हें भी बोली हूँ उन्हें मैं दे सकूँगी पौधे। तो अब चलिए देखिए इस तरह से मैं गुड़ाई कर ली और इसमें खाद डालना है। तो एक महीने से मैंने कुछ में कुछ भी नहीं किया, ना लिक्विड खाद डाली ना कुछ भी क्यों। तो अब सबसे पहले मैं डालूँगी इसमें क्या, वर्मी कंपोस्ट। तो थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट डालना है, और मुझे तो लगता है सबसे अच्छा खाद मुझे वर्मी कंपोस्ट ही लगता है, और मैं हमेशा ऑर्गेनिक ही डालती हूँ तो इसलिए मैं हमेशा वर्मी कंपोस्ट डालती हूँ। आप लोग गोबर की खाद डाल सकते हैं, लेकिन अच्छी सड़ी हुई खाद डालना चाहिए और उसके साथ कोई फंगीसाइड भी डालिए। तो यहाँ पर देखिए मैं दूसरी चीज़ डाली हूँ, तो दूसरी चीज़ हमारी नीम खली। तो नीम खली क्या करता है, फंगीसाइड का भी काम करता है और उसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस भी होते हैं जो हमारे पौधों को भी फायदा देते हैं। और ये तीसरी चीज़ मैं डाल रही हूँ, तो ये है राख। तो हम लोग जब लकड़ी जलाते हैं तो उसका जो डस्ट बच जाता है तो उसे ही हम लोग राख कहते हैं। तो ये राख भी हमारे पौधों को बहुत सारे मतलब कीड़े, जो ख़राब कीड़े होते हैं उससे बचाता है, और ये फंगीसाइड का भी काम करता है, और चूटियों से भी ये हमारे पौधे को सुरक्षित रहता है। और इसमें पोटाश की भी मात्रा थोड़ी सी है और कैल्शियम वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए ये पौधों पे ज़रूर डालिए। तो देखिए ये तीनों चीज़ों हमने डाल दिया है, और देखिए अभी थोड़ी सी मिट्टी गीली है तो इसलिए मैं पानी नहीं डाल रही हूँ, दूसरे दिन सुबह मैं पानी डाल दूँगी, और ये शाम का समय है। और इसी तरह से मैं सभी पौधों में गुड़ाई करके खाद डाल दूँगी। तो आपने देखा क्या क्या किया है, तो आप लोग भी इसी तरह कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को इस तरह अच्छे से हेल्दी स्ट्रॉबेरी चाहिए तो अभी आप अपने गार्डन में ज़रूर स्ट्रॉबेरी का पौधा लाइए। और ये मेरा पिछले साल का हार्वेस्टिंग है, आप देख सकते हैं किस कदर हमारे गार्डन में फलते थे स्ट्रॉबेरी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और हो सके तो अपने घरों में भी एक पौधा जरूर लगाइएगा। थैंक यू, बाय।